छात्रों आज ये 304 इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग के चैप्टर 2 डिजाइन ऑफ वाइंडिंग के टॉपिक डेवलप्ड वाइंडिंग डायग्राम ऑफ थ्री फेज अल्टरनेटर का आप अध्ययन करेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, डेवलप्ड फुल पिच लैप वाइंडिंग डायग्राम फॉर थ्री फेज अल्टरनेटर हैविंग 36 स्लॉट्स 36 कॉइल फॉर पावर। जैसा कि इससे स्पष्ट है कि जितने स्लॉट हैं उतनी कॉल्स हैं, अर्थात वाइंडिंग डबल एयर वाइंडिंग है और फुल पिच लैप वाइंडिंग है। तो सर्वप्रथम स्लॉट पर कॉल पर फेज ज्ञात करेंगे। 36 में फेजेस की संख्या 3 है और कॉल्स की संख्या 4 है, डिवाइड करेंगे 3। फिर कॉल पिच ज्ञात करेंगे 36/4 अर्थात 9। तो कॉल पिच होगी 9 अर्थात जो कॉइल के दोनों सिर के मध्य जो स्लॉट हैं डिस्टेंस होगी वह 9 होगी। इसी तरह स्लॉट एंगल है, स्लॉट एंगल 4 × 180 और उसमें स्लॉट की संख्या का भाग देंगे तो 20 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगी। यहाँ पर स्पष्ट है कि 3 स्लॉट आप देखेंगे कि 4 टोटल 36 स्लॉट्स हैं और तो एक पोल के अंतर्गत 9 स्लॉट हैं। तो 9 स्लॉट्स में से 3 स्लॉट प्रत्येक पेज के लिए सुरक्षित हैं। तो ये पोल हमने बना लिया एन पोल एस पोल एन पोल एल पोल अल्टरनेट पोल बना ले और यहाँ हमने आर पेज बी पेज और वाई पेज ये कनेक्शन टेबल हमने बना लिए हैं। तो यहाँ देखेंगे जैसे कि हमने आर पेज के लिए 1, 2, 3 स्लॉट रखे। अब जो वाई पेज स्टार्ट होगा वह 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल से स्टार्ट होगा, अर्थात 120 डिग्री की स्लॉट एंगल 20 अर्थात 6 × 12 6 स्लॉट का डिफरेंस होगा, अर्थात 7वें स्लॉट से वाई फेज स्टार्ट होगा। इसी तरह जो वी फेज हैं वह स्टार्ट होगा 240 डिग्री से, अर्थात 13वें स्लॉट से वह वी फेज स्टार्ट होगा। तो हमने यहाँ पर स्लॉट पर कॉल पर फेज 3 है जो कि ये आर फेज के सुरक्षित हो गए और वाई फेज के लिए 7, 8, 9 स्लॉट हो गए। तो जो बचे हुए जो स्लॉट हैं वह बी फेज के लिए होंगे। तो इसी सिक्वेंस में एस पॉल के अंतर्गत ये 10, 11, 12 आर फेज के हो जाएंगे, 13, 14, 15 बी फेज के हो जाएंगे और 16, 17, 18 वाई फेज के। इसी तरह ये टेबल कंप्लीट 36 स्लॉट तक कंप्लीट कर लेंगे। अब वाइंडिंग डायग्राम बनाना है। चूँकि डबल लेयर वाइंडिंग है तो किस प्रकार आप बनाएंगे, सर्वप्रथम आप 36 स्लॉट के कंडक्टर्स बनाएंगे, 36 डार्क कंडक्टर और 36 डॉटेड कंडक्टर बनाएंगे। जैसा हमने किए ज्ञात किया कि 3 स्लॉट पर फेज के लिए, तो आप यहाँ देखेंगे 9 स्लॉट एक पोल के अंतर्गत आ रहे हैं। तो 9 स्लॉट तक के जो कंडक्टर्स हैं उनको डायरेक्शन अपर साइड कर देंगे, नेक्स्ट 9 की डाउनवर्ड कर देंगे, फिर नेक्स्ट अपर की अपवर्ड कर देंगे और नेक्स्ट 9 की डाउनवर्ड डायरेक्शन आप मेंशन कर देंगे। फिर 3-3 स्लॉट प्रति पेज के लिए बुक किए हैं हमने। तो 1, 2, 3 स्लॉट के जो कंडक्टर्स हैं उनको रेड से कलर कर देंगे, नेक्स्ट 3 को ब्लू से कलर कर देंगे, नेक्स्ट 3 को येलो से कलर कर देंगे। इसी तरह बाकी कंडक्टर्स को भी हम कलरिंग कर देंगे। अब हमें आर फेज की वाइंडिंग का कनेक्शन करना है। तो किस प्रकार आप कनेक्शन करेंगे, जैसे कि 1 स्लॉट है तो चूँकि पोल पिच 1, 9 है, अर्थात 1 में 9 जोड़ेंगे तो 10, अर्थात जो 1 कंडक्टर का जो अपर कंडक्टर है उसका कनेक्शन होगा 10 के बॉटम से। इस तरह ये एक कॉइल बन जाएगी। नेक्स्ट कॉइल इसी तरह 2+9 11 से बन जाएगी और नेक्स्ट कॉइल 3+9 12 से बन जाएगी। अब इनमें आप देखेंगे यहाँ से करंट गया, फिर यहाँ से करंट बाहर निकला तो नेक्स्ट जो 2 के अपर में जाएगा। तो इस तरह करंट हम एंट्री से बताएंगे। इसी यह करंट
कनेक्शन कंप्लीट हो गया, करंट बाहर निकलेगा, फिर इसका कनेक्शन फिर थर्ड स्लॉट के अपर कंडक्टर से बताएंगे, तो यहाँ देखेंगे 12 के बॉटम से करंट बाहर निकलेगा। इसी तरह प्रत्येक पोल के अंतर्गत आप कॉइल्स बना लेंगे, तो नेक्स्ट जो सिक्वेंस कॉइल्स के स्टार्ट हो गए 10 के अपर से, 10 प्लस 9 अर्थात 19 के बॉटम से जोड़ेंगे, इसका 11 के अपर का 20 के बॉटम से जोड़ेंगे, इसी तरह 12 के अपर का 21 के बॉटम से जोड़ के इस तरह आप कॉइल्स बना लेंगे। अब यहाँ से जो करंट बाहर निकली थी वह देखेंगे कि करंट कहाँ पर एंटर करेगी, तो ये देख रहे हैं कि एक करंट है यहाँ पर 20 डायरेक्शन के अक्रॉस अनुसार ये 21 के बॉटम कंडक्टर पर एंटर करेगी और 10 के अपर से बाहर निकलेगी। इसी तरह नेक्स्ट कॉइल बना लें 19 के अपर का किसे कनेक्शन 19 प्लस 9 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, इसी तरह 20 का 29 से हो जाएगा और 11 का 30 से ये कॉइल कंप्लीट कर लेंगे। अब फिर देखेंगे कि करंट कहाँ पर एंटर करनी है, तो यहाँ से करंट बाहर निकली तो ये करंट के अनुसार डायरेक्शन करंट क्योंकि ऊपर जानी है तो इसमें 19 ऊपर जाएगी और 13 के बॉटम से बाहर निकलेगी। नेक्स्ट कॉइल बनाएंगे आप 28 के अपर से, 28 प्लस 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 37, 37 का अर्थ है कि 1, 1 के बॉटम से जोड़ देंगे, इसी तरह 29 प्लस 9 तो 38, 38 का अर्थ है 2, क्योंकि 36 प्लस 2 तो 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसी तरह 30 प्लस 9 3 के बॉटम से कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पर दर्शाया गया 1 डैश 2 डैश 3 डैश इसी तरह, तो ये क्योंकि ये बॉटम कंडक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है इसलिए डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार ये कहाँ से कनेक्शन आ रहे हैं, तो वह हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है। अब यहाँ से थर्ड कॉइल से करंट बाहर निकला तो करंट की एंट्रेस कहाँ से होगी, थर्ड के बॉटम से होगी और इसके 20 के 8 के अपर से बाहर निकलेगी। इस तरह आर फेज के 1D के कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरह नेक्स्ट फेज के कनेक्शन करेंगे येलो फेज के, वाई फेज के, तो हमने देखा वाई फेज स्टार्ट हो रहा है 7 कंडक्टर से, 7 प्लस 9 16, 16 के बॉटम से ये कॉइल बना लेंगे, इसी तरह 8 प्लस 9 17 और 9 प्लस 9 18 के बॉटम से इसका कनेक्शन करके कॉइल बना लेंगे। यहाँ पर हम करंट एंटर बताएंगे और इसके जो करंट हैं वह कनेक्शन इस तरह बता देंगे आप और 18 के बॉटम से करंट बाहर निकले। इसी तरह नेक्स्ट कॉइल बनाएंगे 16 के अपर से अर्थात 16 प्लस 9 करेंगे तो 25 के बॉटम से जुड़ेगा, इसी तरह 17 का 26 से जुड़ेगा और 18 का 27 के बॉटम से कनेक्शन करके ये कॉइल्स बना ले और उनका इस तरह आप कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ से जो करंट निकला वो कहाँ पर एंटर करना है, हमने 27 के बॉटम पे एंटर करना है और 16 के अपर से बाहर निकालना है। इसी तरह नेक्स्ट कॉइल बनाएंगे 25 के अपर में 9 जोड़ेंगे तो ये आता है 34, 34 के बॉटम से जोड़ेंगे, इसी तरह 26 का अपर का 35 के बॉटम से जोड़ेंगे, इस तरह ये कॉइल कंप्लीट कर लेंगे और फिर इसका जो करंट बाहर निकला था वह हम 25 के अपर में कनेक्शन देंगे और यहाँ से बाहर निकलेंगे। नेक्स्ट कॉइल बनेगी 34 के अपर से, 34 प्लस 9 करेंगे तो ये आएगा 43, 43 मीन्स 36 में जोड़ें, 36 से बाद कितने आते हैं 7 आते हैं, 7 के बॉटम से कनेक्शन करेंगे, इसी तरह 35 का 8 के बॉटम से करेंगे और 36 का 9 के बॉटम से कनेक्शन करेंगे और ये कॉइल कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ से जो करंट बाहर निकला था वह हमने 9 के बॉटम से दिया और इसका जो करंट बाहर निकलेगा वह यहाँ से 34 के अपर कंडक्टर से बाहर निकलेगा। इस तरह वाई फेज के कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट बी फेज के इसी तरह आप कंप्लीट कनेक्शन करेंगे और क्योंकि जो